यूक्रेन के ब्रोवेरी में रूसी सैनिकों ने भरपाया का कहर। ब्रोवेरी में मेयर का दावा, रूस ने शहर पर किया है एयर स्ट्राइक। रूस ने ब्रोवेरी के रिहायशी इलाकों में बरसाए बम। भीषण बमबारी में कई लोगों के घायल होने की खबर। यूक्रेन की सेना में मची खलबली। यूक्रेन ने रूस की मिसाइल को किया डिस्ट्रॉय। यूक्रेन की रक्षा मंत्रालय ने मिसाइल नष्ट करने का वीडियो जारी किया। रूसी सेना का बयान, ड्रोन के जरिए रूसी मिसाइलों को किया गया डिस्ट्रॉय। मिसाइल फटने के बाद आसमान में उठा धुएं का गुबार। रूस यूक्रेन के युद्ध पर यूएनजीए की स्पेशल बैठक। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फौरन सीजफायर के लिए कदम उठाने को कहा। फ्रांस के प्रस्ताव पर रूस यूक्रेन युद्ध पर मंथन। यूएन जनरल सेक्रेटरी ने हिंसा से नागरिकों की मौत को गंभीर बताया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि अब बहुत हो चुका, हालात सामान्य करने की पहल करे रूस। रूस यूक्रेन के हालात पर पीएम मोदी की हाई लेवल बैठक। पीएम ने यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों को सुरक्षित लाने का वादा किया। बैठक में हरदीप पुरी, वीके सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू भी शामिल। पीएम ने चार सीनियर मंत्रियों को भेजने की बात कही। रूस पर प्रतिबंधों का सिलसिला जारी। रूस की फुटबॉल टीम पर बड़ी कड़ी कार्रवाई। फीफा और यूईएफए ने रूस को किया सस्पेंड। फीफा और यूईएफए ने रूस की राष्ट्रीय और क्लब टीमों को किया सस्पेंड। रूस वर्ल्ड कप और यूईएफए की प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले पाएंगे। रूसी टीम को 24 मार्च को विश्व कप क्वालिफाइंग प्लेऑफ सेमीफाइनल में पोलैंड से खेलना है मैच। पोलैंड, स्वीडन जैसे देशों के रूस के खिलाफ खेलने का इनकार। यूक्रेन से देवबंद लौटे चार एमबीबीएस छात्र। छात्रों की सकुशल घर वापसी पर परिजनों ने जाहिर की खुशी। सरकार का जताया आभार। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही सहारनपुर की छात्रा निहारिका की घर वापसी। बेटी को देखकर माता पिता की आंखों में आए आंसू। सरकार का जताया आभार। छठे चरण के लिए बीजेपी का प्रचार तेज। आज गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर में सीएम की जनसभा। प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। आज चार जिलों के दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बलिया, देवरिया, कुशीनगर और वाराणसी में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे जनसभा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का महाराजगंज, कुशीनगर का दौरा। आज जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बलिया, जौनपुर और देवरिया का दौरा। चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में करेंगे बैठक। सीएम योगी के गढ़ में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज गोरखपुर और बलिया में करेंगे चुनावी प्रचार सभा को करेंगे संबोधित। आज मिर्जापुर के दौरे पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती प्रत्याशियों के लिए करेंगे चुनावी प्रचार। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। बलिया में पीएम का बयान, पश्चिम से पूरब तक बीजेपी का बोलबाला। यूपी की जनता ने घोर परिवारवादियों को नकारा। गोरखपुर में सीएम योगी का भव्य रोड शो। बीजेपी समर्थक और साधु संतों की भारी भीड़। गोरखपुर सदर सीट से प्रत्याशी हैं सीएम। मजिस्ट्रेट से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम योगी का डिंपल यादव पर करारा प्रहार। कहा कि आतंकवाद के समर्थक नहीं समझ सकते भगवा का महत्व। जौनपुर में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। सरकार की गिनाई उपलब्धियां, समाजवादी पार्टी पर जमकर बोला हमला। बस्ती में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का रोड शो। पार्टी समर्थकों की उमड़ी भीड़। अखिलेश बोले, छठवें चरण में बीजेपी को छाट देगी जनता। अंबेडकर नगर में अखिलेश यादव का बीजेपी पर पलटवार। कहा कि पांचवें चरण में बीजेपी का नहीं चला पता, छठे और सातवें चरण में साफ हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। आजमगढ़ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने की जनसभा। बोली, आजमगढ़ की जनता बीजेपी का करेगी सफाया। 2007 की तरह फिर से बनेगी बीएसपी की सरकार। मायावती ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना। कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब का किया अपमान। मंडल कमीशन को नहीं किया गया लागू। एसपी सरकार में दंगा कराने वालों का राज था। मिशन यूपी में जुटी कांग्रेस। बलिया में प्रियंका गांधी ने किया रोड शो। सैकड़ों की तादाद में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। कुशीनगर में अलग अंदाज में नजर आई प्रियंका गांधी। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के साथ बाइक पर सवार होकर किया नगर भ्रमण। राजा भैया के समर्थकों की बड़ी मुश्किलें। गुलशन यादव की तहरीर पर 9 नामजद समेत कई लोगों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज। एसपी प्रत्याशी के काफिले पर किया था हमला। लखनऊ के रामाबाई अम्बेडकर मैदान में बवाल। एसपी कार्यकर्ताओं ने अपर सिटी मजिस्ट्रेट लिखी गाड़ी को अंदर जाने से रोका।
अफसर की गाड़ी में चेकिंग के दौरान मिला हथौड़ा और प्लास। एसपी कार्यकर्ताओं का आरोप, ईवीएम से छेड़छाड़ के इरादे से अंदर जा रहे थे अधिकारी। हरिद्वार दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सुरेश्वरी देवी पहुंचकर की पूजा अर्चना, साधु संतों से भी की मुलाकात। रुद्रप्रयाग के झालीमठ गांव में भूस्खलन से मचा हड़कंप, खतरे की जद में आए कई घर, प्रशासन की टीम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी। निरस्त किया गया देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम, राजभवन ने लगाई मुहर, चारधाम में फिर से प्रभावी होगी पहले वाली व्यवस्था। देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों पर उठ रहे सवाल, पूर्व मेयर ने अधिकारियों पर लापरवाही का लगाया आरोप, बोले लापरवाही की वजह से स्मार्ट सिटी का नहीं हो पा रहा है काम। उत्तराखंड में एक बार फिर पर्यटन ने पकड़ी रफ्तार, 3 महीने में पहुंचे 30,000 पर्यटक, कोरोना के चलते ठप पड़ा था कारोबार। केदे जेल में डीएम आशीष श्रीवास्तव की पहल पर पैरासीलिंग बोट की शुरुआत, बोट को झील में उतारा गया, पर्यटकों में दिखा उत्साह। नैनीताल जिले के एसएसपी पंकज भट्ट ने रामनगर कोतवाली का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दिए निर्देश, त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा मुस्तैद करने के लिए भी कहा। महाशिवरात्रि का महापर्व आज, शिवालयों में भक्त कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक, प्रशासन ने पूरी की तैयारी। महाशिवरात्रि से पहले सजाया गया भगवान शिव का धाम, करीब 8 क्विंटल फूलों से सजा केदारनाथ मंदिर, कपाट खुलने की तिथि की भी आज होगी घोषणा। बागेश्वर में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर की गई खासी तैयारियां, बाबा बागनाथ मंदिर और नीलेश्वर धाम को भव्य रूप से सजाया गया। हरिद्वार में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर प्रशासन अलर्ट, मंदिरों पर पुलिस का कड़ा पहरा, यातायात व्यवस्था भी दुरुस्त की गई। गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर में निकाली गई बाबा भोलेनाथ की भव्य बारात, नंदी पर सवार होकर मंदिर पहुंचे बाबा भोले के भक्त, जमकर थिरके शख्स। आगरा में ताजमहल की सुरक्षा में बड़ी चूक, नो फ्लाई जोन से गुजरा हवाई जहाज, पर्यटकों ने मोबाइल में कैद की तस्वीरें, एएसआई ने सीआईएसएफ से मांगा जवाब। नोएडा प्राधिकरण ने डीएनडीए पर फिल्म सिटी के पास बने एफओबी को स्वर कोकिला लता मंगेशकर को समर्पित किया, एफओबी को लता दी की यादों में सजाया जा रहा है। लखनऊ में लोवाना ग्रुप की हजरतगंज स्थित कार्यालय पर जीएसटी की रेड, लाखों की टैक्स चोरी का खुलासा, अहम दस्तावेजों की हो रही है जांच। आगरा विश्वविद्यालय में छात्रों की बड़ी सौगात, छात्रों की समस्याओं का हल करने के लिए स्थापित होगा कॉल सेंटर। जालौन के प्राइमरी स्कूल में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, अभिभावकों का आरोप, स्कूल में समय से नहीं आते शिक्षक, कुछ अधिकारियों से शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समाधान। हरदोई में दबंगों ने एक परिवार पर लाठी डंडों से किया हमला, 5 लोगों को आई गंभीर चोटें, खेत में फसल जलाने को लेकर हुआ विवाद, वीडियो वायरल। मेरठ में युवक की मारपीट की तस्वीरें वायरल, दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा, सदर क्षेत्र के भैसाली बस अड्डे का मामला। मैनपुरी में कांवड़ियों का दिखा आतंक, कार पर लाठी डंडों से किया हमला, कार सवार लोगों के साथ ने की मारपीट।